अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? सब ठीक होंगे? मेरे चैनल पे कुछ दिन के लिए स्ट्राइक लगी हुई थी, ठीक है। वो गलती अपनी थी, बड़ी डिश की तस्वीर दे दी जिसकी वजह से मसला बन गया था। तो दोस्तों, ये मेरी जो है ना 6 फुट की डिश है, ये हालात 47 डिग्री पे लगी हुई है। इस पर मल्टी सेटअप बना हुआ है, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं जी 6 फुट पे हालात 47 डिग्री नहीं चलती। तो चलती है दोस्तों, लेकिन रात को इसकी 4 टिपियाँ आती हैं मेरे पास, जिसमें एक तो है 12482 और 12565 और 12647 और 88 तो कभी सिग्नल आते हैं, कभी चले जाते हैं, और एक है 12404, ठीक है जी, और पांचवी है 12270। ये टिपियाँ मेरे पास 6 फुट की डिश पे आती हैं। तो गलती आप लोगों से क्या होती है, आप ट्राई तो करते हैं लेकिन गलती ये होती है कि ना तो आपको सिग्नल मिलते हैं, फिर आप कहते हैं जी 6 फुट पे चलते नहीं। ये दरअसल हालात 47 डिग्री जो है ना, 10 फुट की सेटेलाइट है, तो ये बड़ी मुश्किल से हमारे पास यहाँ पर 1-2 टिपियाँ आती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 750 चैनल है हालात 47 डिग्री पे, ठीक है जी। तो 8 फुट पे इस पे आते हैं तकरीबन 350, क्योंकि 8 फुट पे सारा दिन ये चैनल चलते रहते हैं 5-6 टिपियाँ। तो 6 फुट पे आपको शाम को ही सिग्नल मिलेंगे, अगर मौसम ठीक होगा बारिश का तो फिर आपको इस टाइम भी सिग्नल इसके मिल जाएंगे, लेकिन शाम 7 बजे इसके सिग्नल मिलते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा सेटअप लगाया। ये सेंटर हालात 47 डिग्री है और ये 36 डिग्री है, ये 42 है तुर्क सेट, ये 49 डिग्री है, ये या शर्ट है। या शर्ट पे यहाँ पे मेरे पास जो है ना योर टाइम, उसके भी सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है जी, मुकम्मल चैनल आ जाते हैं। मोनाको सेट और या शर्ट 52 डिग्री और 53 डिग्री दोनों इकट्ठे चल जाते हैं। तो यहाँ पे रशियन फ्री चैनल है जो कि डैजिक स्विच पट्टी लगा के चलते हैं। इसमें आप डैजिक स्विच की पट्टी, एक बिस्कुट है होता है वो लगाएंगे तो फिर ये चैनल आपके चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। ये तुर्क सेट के भी मुकम्मल चैनल यहाँ पे आ रहे हैं। ये मेरे पास 4 टिपियाँ आती हैं यहाँ पे, वो भी शाम के टाइम पे आती हैं, इस वक्त सिग्नल नहीं होते। तो जो ये 36 डिग्री है, इसके भी मुकम्मल चैनल आ रहे हैं। तो ये जो 47 डिग्री पे कौन सी टीपी आपने पकड़नी है और आपने करना क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 फुट पे आपको जो है ना चैनल मिल जाएंगे। सिर्फ एक टीपी जो है ना फॉरएवर सर्वर पे और सी लैन पे चलती है, और एक है 12270 वाली और दूसरी है 12482 वाली, ठीक है। 2 टीपियाँ चलती हैं, चैनल अच्छे हैं, मूवी चैनल। तो दोस्तों, अक्सर गलती ये होती है कि हमें जो स्टिकें मिलती हैं ना, ये वाली इसके साथ डिश के साथ, वो ज़रा छोटी होती हैं। तो हालात डिग्री के लिए आपको स्टिकें 2 इंच बड़ी करनी पड़ेंगी। पहले भी मैंने शबीर की डिश पे बनाई थी, उस पे नहीं आते थे, लेकिन जब स्टिकें बड़ी की तो उस पे चैनल आ गए थे। जब आपने हालात की सेटेलाइट सेट करनी है या 80 डिग्री की, वहाँ पे आपको स्टिकें बड़ी करनी पड़ेगी। इस तरह हार्ड बर्ड पर भी स्टिकें बड़ी करनी पड़ती हैं, तो फिर चैनल आते हैं। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, वो हर टाइम आती रहती है, आप वो करें तो आपको रात को चैनल यहाँ पे मिल जाएंगे, ट्यून करने से चैनल आ जाएंगे आप, ठीक है जी। ये मैंने सेटअप लगाया हुआ है, ये देख लें, ये इस पे चैनल तो नहीं है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल इसके आते होते हैं, ठीक है जी, ये देखें। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लें, 11x103, ठीक है जी, और 3814 वर्टिकल, ठीक है। अब मैं क्लोज़ करके थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा, फिर वापस कर लूँगा क्योंकि आजकल स्ट्रैक लग रही है। तो ये आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, ठीक है। तो ये लगा के और इसके सिग्नल भी देख लें, आ रहे हैं धूप ज़्यादा, तो ये लगा के ना आप सेट करें। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है 40 डिग्री वाली, 11270, 4548 हॉरिजेंटल, 12470, 4248 हॉरिजेंटल, ये वाली, इसके 20-25 सिग्नल आपको मिलेंगे। ये आप चलाएं तो देखिएगा,
ये मैंने ट्यून किए हुए हैं, इसमें चैनल आप चलेंगे तो नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने चैनल आ रहे थे जी, ये देख लें। ठीक है जी, ये एक नंबर है। ये मेरे पास यहाँ पे चैनल आए थे तकरीबन 154 चैनल आए हुए हैं 6.5 फुट पे। ये रात की ट्यूनिंग है, ठीक है जी। ये सभी आते थे। ये 6 फुट की डिश है मेरी और इतनी बड़ी नहीं है, तो दिखा देता हूँ दूर से भी आपको, ये देख लें। ये 6 फुट की है, ये 76 इंच है, ठीक है जी। फ़र्क भी आपको नज़र आ जाएगा डिशों में, ठीक है। ये छोटी है, वो बड़ी डिश है जो मेरी कार्डबोर्ड पे लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। दुआ में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।